के साथ करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि होटवार जेल लाए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। होटवार जेल में ही हेमंत सोरेन फिलहाल रहेंगे। जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक में हेमंत सोरेन रहेंगे। बी ब्लॉक के कमरा नंबर एक में हेमंत सोरेन रहेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। होटवार जेल लाया जा रहा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि रिमांड पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक में हेमंत रहेंगे। और जी मीडिया संवाददाता आयुष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आयुष, और क्या जानकारी मिल पा रही है? मुझे लगता है कि चंद मिनटों की बात है जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो होटवार जेल पहुंच जाएंगे। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है जेल के अंदर से, वो बताया गया है कि जो अपर डिवीजन है बी ब्लॉक, उसके जो है कमरा नंबर एक में जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। और ये वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो होटवार जेल में कह सकते हैं कि आसपास जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कह सकते हैं कि जितने भी तमाम लोग हैं वहां पर वो मौजूद है सुरक्षाकर्मी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनटों में अब जो है वो होटवार जेल में पहुंच जाएंगे, तो उसकी सीधी तस्वीरें हैं भी जो है हम आपको भेजेंगे। तो ये तमाम चीजें आ रही है। कोर्ट में जो आज हुआ वो भी आपको बताते चले, क्योंकि हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। हालांकि रिमांड जो अवधि को लेकर जो बहस भी हुई, महाधिवक्ता जो राजीव रंजन है और जो सरकारी वकील है उन्होंने अब दलीलें पेश की। और साथ ही साथ ये भी कोर्ट में कहा कि जो ये प्रिडिक्टिक ऑफेंस है, इस ऑफेंस के तहत कहीं ना कहीं जो है उनके ज्यादा रिमांड अवधि नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट कल जो फैसला सुरक्षित रखी है उसमें रिमांड कितने दिनों की मिलती है, ये भी क्योंकि इसमें हेमंत सोरेन को रहना होगा या नहीं रहना होगा। उसके बाद ईडी रिमांड पर लेने के बाद अगर ईडी को रिमांड मिलती है तो कितने दिनों की मिलती है और वो किस तरह से और कहां पूछताछ करती है, तो ये तमाम सवाल आगे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल आयुष, हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हेमंत सोरेन होटवार जेल पहुंच जाएंगे। कल के बारे में क्या जानकारी है? कल हेमंत सोरेन को सशरीर वहां उपस्थित होना है या फिर महाधिवक्ता और ईडी की ओर से जो होंगे वो बहस करेंगे? ये देखिए, आमतौर पे अगर देखा जाए तो जो आरोपी होता है उसको कह सकते हैं कि सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके ही फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि ये मामला हाई लेवल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। दूसरी ओर ये भी है कि अगर उनकी दलीलें पेश करने के लिए जो महाधिवक्ता है उनकी उपस्थिति में भी कोर्ट जो है फैसला जो है रिमांड पर सुना सकती है। ये अत्यधिक जरूरी तब हो जाता है जब कहीं ना कहीं आप आरोपी जो है वो दोषी साबित हो जाता है और दोषी होने पर उसे सजा सुनाई जाती है, तब ये कह सकते हैं अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि कल उतना जरूरी नहीं। देखिए, खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन अब होटवार जेल में पहुंच चुके हैं। जो आपको बता दें, जो गाड़ियां हैं वो पहुंची थी, वो अब सीधे तौर पे जो है अब जेल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। हम आपको सीधी तस्वीरें थोड़ी देर में भेजेंगे। जी बिल्कुल आयुष, तो हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन होटवार जेल पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार हम इस खबर पर बने भी हुए हैं और कल इस पर फैसला आएगा कि ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है और कितने दिनों की रिमांड नहीं मिलती। हालांकि ईडी ने 10 दिन के रिमांड की मांग की है। आयुष, कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ये लाजमी है। और यहाँ पर रोकेंगे आयुष, आपको एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने हमला बोला है। सोरेन परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला, कहा सोरेन ने घोटाले को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहन दिया है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का यह हमला। फिलहाल हेमंत सोरेन को होटवार जेल ले जाया गया और इसी बीच बीजेपी ने एक बार फिर से सोरेन परिवार पर हमला बोल दिया है। एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी दो में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी, हैं? वहाँ एक BMW भी मिली है ना, दो मिली है, क्या बात, BMW बहुत सुंदर। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं होगी कैसे होगा भाई?
तो सुना आपने रविशंकर प्रसाद को साफ तौर पर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। शांति निकेतन स्थित आवास को लेकर, चाहे जो BMW गाड़ी जब्त की गई उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है। तो बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, आयुष भी हमारे साथ बने हुए। आयुष, रविशंकर प्रसाद को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर हमला बोल दिया। एक तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उन्हें होटवार जेल लाया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर लगातार हमलावर है। जी बिल्कुल, देखिए ये आरोप आज से नहीं, तकरीबन 3 वर्षों से बीजेपी जो है, जो कह सकते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी है झारखंड में, वो लगाती रही है। और ये भी कहा गया है कई बार सीधे तौर पे, आज जो घटना घटी है, आज जो तस्वीरें आई है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सलाखों के पीछे है, होटवार जेल में है, तो इसको लेकर बयानबाजी काफी दिनों से चल रही थी। बाबूलाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सीधे तौर पे करते थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाएंगे, आज नहीं तो कल जरूर जाएंगे, और ये चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें सच साबित हुई और इसे ईडी ने साबित भी किया, कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए, वो तमाम दलीलें पेश की जिसके आधार पर उसे हेमंत सोरेन को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। रिमांड पर फैसला कल आएगा, फैसला आने के बाद और गहन से पूछताछ होगी और हो सकता है शिकंजा और कड़ी हो जाए, चूंकि पूछताछ के बाद अब कह सकते हैं कि अब ईडी चार्जशीट के लिए और बढ़ती है, चार्जशीट होने के बाद आरोप तय किए जाते हैं, और अगर आपके आरोप सिद्ध होते हैं तो आप दोषी होते हैं, दोषी होते हैं तो उसकी सजा मिलती है। तो ये तमाम जो प्रकरण है वो आपके सबके सामने होंगे। जी बिल्कुल, इंतजार करना होगा कल क्या कुछ कोर्ट से फैसला आता है, क्योंकि अभी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, हालांकि बहस हुई, लेकिन फैसला कल आएगा ईडी के रिमांड पर, उसके बाद क्या कुछ होगा वो देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसी बीच आयुष, 5:30 बजे का वक्त दिया है राज्यपाल ने। जी बिल्कुल, देखिए दूसरी तरफ यह भी संकट है कि जो कह सकते हैं कि सरकार की सेहत पे कोई असर न पड़े, इसकी कवायद मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। महागठबंधन की बैठक हो या अपने विधायक समर्थित विधायकों की साथ कह सकते हैं मेलजोल हो, या फिर उनका समर्थन लेना हो, सहयोग लेना हो, विश्वास जताना हो, ये तमाम कवायद हुई थी। लेकिन जो बड़ा पेज सामने आ रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक दल का नेता जो है चंपई सोरेन को चुना, तो पहले से ही मुख्यमंत्री थे, मतलब वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं विधायक दल का नेता चुन लिया, जो कहीं ना कहीं पेच फंसाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से सिर्फ इसी वजह से राजभवन जो है इस पर जो समर्थन पत्र जो चंपई सोरेन के हाथों जो है राज्यपाल को प्राप्त हुआ, सरकार बनाने का दावा पेश हुआ, इसको लेकर इसी संशय में राजभवन है कि इस परिस्थिति में आखिर क्या किया जाए, क्या ये संवैधानिक रूप से सही रहेगा, क्या इस पर कहीं ना कहीं सरकार बनाने का जो दावा पेश किया गया है और जिस तरह से जो कह सकते हैं विधायक दल का नेता चुना गया है, क्या ये सही है। तो ये तमाम चीजें हो रही है। दूसरी ओर एक डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों में जो चीजें हुई, सरकार कहीं ना कहीं बिखर जाती है और जो है समर्थन किसी और कह सकते हैं NDA में शामिल हो जाता है कुछ विधायकों का, तो सरकार बदल सकती है, तो इसकी भी गुंजाइश कहीं ना कहीं नजर आ रही है। आप देखिए, आपको बता दें कि जो BL संतोष है महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के, वो आप झारखंड पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि कल बैठक भी होने वाली है आयुष, बीजेपी की जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कल 11 बजे भारतीय जनता पार्टी या कहें NDA दल की जो है वो बैठक होने वाली है, और उसी को लेकर जो है जो जनरल सेक्रेटरी BL संतोष कहे और प्रभारी जो है वो आपके वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, ये तमाम लोग रेडसन ब्लू होटल में बैठक करते हैं और बैठक करिए तय किया जाता है कि कल रोकेंगे। आयुष, आपको इस वक्त खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि होटवार जेल लाए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। होटवार जेल में ही हेमंत सोरेन फिलहाल रहेंगे। जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक में हेमंत सोरेन रहेंगे। बी ब्लॉक के कमरा नंबर 1 में हेमंत सोरेन रहेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। होटवार जेल लाया जा रहा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि रिमांड पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक में हेमंत रहेंगे। और जी मीडिया संवाददाता आयुष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आयुष, और क्या जानकारी मिल पा रही है? लगता है कि चंद मिनटों की बात है जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है
वो कोटवार जेल पहुंच जाएंगे। देखिए जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है जेल के अंदर से, वो बताया गया है कि जो अपर डिवीजन है बी ब्लॉक, उसके जो है कमरा नंबर एक में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे और ये वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कोटवार जेल में कह सकते हैं कि आसपास जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कह सकते हैं कि जितने भी तमाम लोग हैं वहां पर वो मौजूद है सुरक्षाकर्मी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनटों में अब जो है वो कोटवार जेल में पहुंच जाएंगे, तो उसकी सीधी तस्वीरें हैं भी जो है हम आपको भेजेंगे। तो ये तमाम चीजें आ रही है। कोर्ट में जो आज हुआ वो भी आपको बताते चले, क्योंकि हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। हालांकि रिमांड जो अवधि को लेकर जो बहस भी हुई, महाधिवक्ता जो राजीव रंजन है और जो सरकारी वकील है उन्होंने अब दलीलें पेश की, और साथ ही साथ ये भी कोर्ट में कहा कि जो ये प्रिडिक्टिक ऑफेंस है, इस ऑफेंस के तहत कहीं ना कहीं जो है उनके ज्यादा रिमांड अवधि नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट कल जो फैसला सुरक्षित रखी है उसमें रिमांड कितने दिनों की मिलती है, ये भी चूंकि इसमें हेमंत सोरेन को रहना होगा या नहीं रहना होगा, उसके बाद ईडी रिमांड पर लेने के बाद अगर ईडी को रिमांड मिलती है तो कितने दिनों की मिलती है और वो किस तरह से और कहां पूछताछ करती है, तो ये तमाम सवाल आगे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल आयुष, हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ ही देर में हेमंत सोरेन कोटवार जेल पहुंच जाएंगे। कल के बारे में क्या जानकारी है? कल हेमंत सोरेन को सशरीर वहां उपस्थित होना है या फिर महाधिवक्ता और ईडी की ओर से जो होंगे वो बहस करेंगे? जी देखिए, आमतौर पे अगर देखा जाए तो जो आरोपी होता है उसको कह सकते हैं कि सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके ही फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि ये मामला हाई लेवल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है और फैसला सुनाया जा सकता है। दूसरी ओर ये भी है कि अगर उनकी दलीलें पेश करने के लिए जो महाधिवक्ता है उनकी उपस्थिति में भी कोर्ट जो है फैसला जो है रिमांड पर सुना सकती है। ये अत्यधिक जरूरी तब हो जाता है जब कहीं ना कहीं आप आरोपी जो है वो दोषी साबित हो जाता है और दोषी होने पर उसे सजा सुनाई जाती है, तब ये कह सकते हैं अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में कह सकते हैं कि कल उतना जरूरी नहीं। देखिए, खबरें आ रही है कि हेमंत सोरेन अब कोटवार जेल में पहुंच चुके हैं, जो आपको बता दें जो गाड़ियां हैं वो पहुंची थी वो अब सीधे सीधे तौर पे जो है अब जेल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। हम आपको सीधी तस्वीरें थोड़ी देर में भेजेंगे। जी बिल्कुल आयुष, तो हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन कोटवार जेल पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। लगातार हम इस खबर पर बने भी हुए हैं और कल इस पर फैसला आएगा कि ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है और कितने दिनों की रिमांड नहीं मिलती। हालांकि ईडी ने 10 दिन के रिमांड की मांग की है। आयुष, कुल मिलाकर हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ये लाजमी है और यहाँ पर रोकेंगे आयुष, आपको एक बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने हमला बोला है, सोरेन परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला, कहा सोरेन ने घोटाले को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहन दिया है। हेमंत सोरेन पर बीजेपी का यह हमला, फिलहाल हेमंत सोरेन को कोटवार जेल ले जाया गया और इसी बीच बीजेपी ने एक बार फिर से सोरेन परिवार पर हमला बोल दिया है। एक में इनकी पेशी हुई है, बाकी दो में कई मामले हैं तो एजेंसी वो बताएंगी। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले, दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी, हैं? वहाँ एक BMW भी मिली है ना, दो मिली है, क्या बात, BMW बहुत सुंदर। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए, बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं होगी कैसे होगा भाई? तो सुना आपने रविशंकर प्रसाद को साफ तौर पर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, शांति निकेतन स्थित आवास को लेकर, चाहे जो BMW गाड़ी जब्त की गई उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है।
तो बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर है। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, आयुष भी हमारे साथ बने हुए। आयुष, रविशंकर प्रसाद को हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर हमला बोल दिया। एक तरफ हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उन्हें होटवार जेल लाया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अभिनंदन लोगों का।
बाहर देखिए, पहले सीएम जो है यहाँ से अपने गुस्सा देकर बाहर निकले हैं। ये देखिए यहाँ पर फोन मिल रहे हैं, के साथ करेंगे। और बड़ी खबर यह है कि होटवार जेल लाए जा रहे हैं हेमंत सोरेन। होटवार जेल में ही हेमंत सोरेन फिलहाल रहेंगे। जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक में हेमंत सोरेन रहेंगे। बी ब्लॉक के कमरा नंबर 1 में हेमंत सोरेन रहेंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। होटवार जेल लाया जा रहा है हेमंत सोरेन को, क्योंकि रिमांड पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। और जेल के अपर डिवीजन के बी ब्लॉक में हेमंत रहेंगे। और जी मीडिया संवाददाता आयुष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आयुष, और क्या जानकारी मिल पा रही है? मुझे लगता है कि चंद मिनटों की बात है जब मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो होटवार जेल पहुंच जाएंगे। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है जेल के अंदर से, वो बताया गया है कि जो अपर डिवीजन है बी ब्लॉक, उसके जो है कमरा नंबर 1 में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। और ये वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो होटवार जेल में कह सकते हैं कि आसपास जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कह सकते हैं कि जितने भी तमाम लोग हैं वहां पर वो मौजूद है सुरक्षाकर्मी। साथ ही साथ मुझे लगता है कि 2 से 3 मिनटों में अब जो है वो होटवार जेल में पहुंच जाएंगे, तो उसकी सीधी तस्वीरें हैं भी जो है हम आपको भेजेंगे। तो ये तमाम चीजें आ रही है। कोर्ट में जो आज हुआ वो भी आपको बताते चले, क्योंकि हेमंत सोरेन को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। हालांकि रिमांड जो अवधि को लेकर जो बहस भी हुई, महाधिवक्ता जो राजीव रंजन है और जो सरकारी वकील है उन्होंने अब दलीलें पेश की। और साथ ही साथ ये भी कोर्ट में कहा कि जो ये प्रिडिक्टेड